नमस्कार मित्रों, राधे सर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्न बैंक के अध्याय 5 के महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अष्टक नियम किस तत्व तक उपयोगी होता है? तो इसका आंसर होगा कैल्शियम। दूसरा क्वेश्चन है, मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्व को आवर्त तालिका में व्यवस्थित किया गया क्रम है? तो स नंबर उत्तर सही है, बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान, बढ़ता हुआ परमाणु द्रव्यमान। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आधुनिक आवर्त तालिका के संदर्भ में सत्य है? तो कौन सा सत्य है? स नंबर, इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं। इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जो समूह कहलाते हैं। चौथा क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। पहला नंबर सही है, बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर। पांचवा क्वेश्चन है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं और जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका स नंबर को उत्तर सही है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं, ये वाला कथन आपका असत्य है। अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आधुनिक आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता क्या होती है मित्रों? बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। दूसरा क्वेश्चन, उत्कृष्ट गैसों का पता देर से चला क्योंकि यह अक्रिय होती हैं। क्या होती हैं? अक्रिय। तीसरा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं मित्रों? 18 समूह होते हैं। पांचवा, चौथा है, किसी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या निकालने का सूत्र होता है तो 2n2। आवर्त में बाएं से दाएं और जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में दीजिए। तो पहला है, किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 282 है? तो मित्रों 282 कितना हो गया? 12। तो 12 परमाणु क्रमांक किसका होता है? Mg का। तो इसका उत्तर होगा मैग्नीशियम। अगला है, किस तत्व में पहले कोश से दुगने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा कार्बन, सी। तीसरा है, तत्वों के वर्गीकरण का अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था? तो न्यूलैंड ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था। चौथा है, तत्वों के वर्गीकरण का त्रिक नियम किसने प्रतिपादित किया? तो डावे राइनर ने। पांचवा, आधुनिक आवर्त नियम लिखिए। तो मित्रों आधुनिक आवर्त नियम आप यहां से देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन में, आधुनिक आवर्त सारणी में सभी तत्वों को रखा गया है तो बढ़ते हुए परमाणु क्रमांक के आधार पर।